मेरी माँ बच्चे बने में गुजर गई। अरे पिताजी मुझे पाल पूछ के बड़ा किया, मेरे लिए खाना नहीं खाता था। मैं घूमने जाता था, 11 बजे रात तक आता था घूम फिर। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? हमेशा आप सब खुश रहिए, आबाद रहिए और मेरे साथ जो मैं जुड़े रहिए दोस्तों। चलिए, मैं आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात मेरे घर से रिलेटिव वो चीज़ मैं बताने जाऊंगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये हम लोग का घर है इधर, और इधर ये पुराना वाला घर है हम लोग का, ये रास्ता हो गया। तो चलिए, यहाँ पे मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? उधर है थोड़ा दूसरे कास्ट के लोग हैं, उन लोग का होली का जो है पूरा डीजे उजे बजा रहा है। डीजे मेरे कान पे आ रहा है, आने के बाद मेरा वीडियो पे डिस्टर्ब ना हो, इसलिए चलते हैं फिर एक अच्छा लोकेशन में जाके बात करते हैं भाई। तो भाई साहब देख सकते हैं वहाँ पे डीजे बजा रहे हैं लड़के लोग, और सब लड़के लड़कियाँ डांस कर रहे हैं वहाँ पर। उधर से हम लोग का मेन रास्ता है, तो मैं उधर से नहीं गया, चलो इधर से ये पतली वाली रास्ता से मैं आ गया हूँ, और मैं यहाँ से चल जाऊँगा सीधा वहाँ उधर शांति जगह में। मैं आपको अच्छी से मैं वो चीज़ बात करूँगा फिर। तो गाइस फाइनली मैं अभी आ गया हूँ आउट एरिया में। देख सकते हैं ये जितना भी यहाँ से वहाँ तक दिखाई दे रहा है, छोटा वाला भुट्टा जो दिखाई दे रहा है वो हो गया मेरा पिताजी का सारा ज़मीन हो गया। लेकिन मेरा पिताजी मेरे लिए इस मिट्टी से पैदावार करके बहुत कुछ हम लोग के साथ किया यार। मेरे पिताजी हम लोग के लिए बहुत कुछ किया, जो कुछ किया। चलिए फिर मैं आपको आगे डिटेल्स में बताऊंगा। यहाँ मैं खड़ा होकर के पूरा बात नहीं बोलने पाऊंगा, क्योंकि मेरे दिल और मेरी आहट सब कुछ मेरे पिताजी के लिए है। लेकिन चलिए मैं इत्मीनान से वहाँ जाकर बात करता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाता है। फिर भाई साहब मेरा आते आते आँख में ये थोड़ा ये डस्ट पड़ गया, और मैं चलिए मुद्दे पे बात करते हैं। शिवरात के दिन कल मेरे शिवरात रहा, शिवरात के वजह से मैं आपको कंटेंट देने नहीं पाया, इसलिए देने नहीं पाया कि शिवरात में यहाँ वहाँ भाग दौड़ करना पड़ा कुछ सामान को इकट्ठा करने के लिए। शिवरात जो है हम लोग के लिए बहुत अच्छा ये मायने रखते हैं, क्योंकि जितने भी अपने ख़ानदान में जितने भी रिलेटिव अगर इस दुनिया से गुजरते हैं उनके लिए दुआ दुरूद किया जाता है। कलम के बाद अपने माँ बाप अपने ख़ानदान के लिए उसको बख्शा बख्शा जाता है। तो चलिए फिर आपको मुद्दे की बात करते हैं। यही मंगलवार कल था, मंगलवार के दिन मेरे पिताजी चलते चलते हम लोग का फातिया होता है मस्जिद में फातिया होते थे। मैं पिताजी का उंगली पकड़ते पकड़ते लेके आ रहा था, चलते चलते बोलता आप चलिए आगे से। मैं आगे चला गया। आगे जाने के बाद क्यों गया आगे? मस्जिद का जीना उस टाइम बना हुआ नहीं था, ईंट का जीना बना हुआ था, जिसके कारण मेरा पिताजी पीछे पीछे आ रहा था। फिर पता चला कि वो वापस चला गया, उसके शरीर में कुछ समझ में आ गया कि मेरा सभ्य शरीर थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक के कारण वो रिटर्न चल गया। फिर हम लोग मस्जिद से आए, फातिया किया, फातिया करने के बाद खाना वाना एक साथ खाए, खाने के बाद हम लोग चल गए कब्रिस्तान। कब्रिस्तान जाने के बाद पता चला कि मेरा वालिद साहब का बस कोमा में चला गया। कोमा में जाने के बाद हम लोग का दिल खलबली हो गया और मेरी दुनिया उजड़ गया, सब कुछ उजड़ गया। गाइस हर एक का माँ बाप जो है बहुत अनमोल हुआ करते हैं, माँ बाप के बगैर कुछ नहीं। अभी मैं जो जितना कमाता हूँ शान स्वागत करता हूँ, ये मेरे पास जो कैमरा देख रहे हैं वो भी कैमरा मेरे कमाई का है। आज से 10 साल हो गया मेरा पिताजी गुजरने का। मैं इतना कमाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, इतना बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनता हूँ, पिताजी को देने वाला कुछ नहीं है। पिताजी के बगैर कुछ नहीं होता दुनिया में, माँ के बगैर कुछ नहीं मिलता है। पिताजी
तो समय मरा था हम लोग के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। मेरी जिंदगी गुजर गई पढ़ाई करते करते, पढ़ने नहीं आया मैं, बहुत सारा कुछ काम किया मैं, लेकिन दूसरे के घर में ठोकरे खाके खाके काम करता हूँ ये पैसे को इकट्ठा करना जिंदगी बसर करने के लिए। मेरे पिताजी से खेत में जितना भी काम किया हम लोग को पाल पूछ के मरा किया, बहुत कुछ किया। पिताजी आज हम लोग तो होते हैं तो कितना सालों से कुछ सेव कर रखते हैं, हम तो रो 10 पैसा भी देते, कुछ भी देते यार। आज के जमाने में कितना पैसा है मेरे लिए, उनके लिए बहुत पैसा है। ये कैमरा जी 600 का आता है, 600 का ये कैमरा जी देख रहे, कैमरा भी साला 15,000 में है। उस टाइम 10 रुपया देकर के हम लोग को पढ़ाया, स्कूल भेजा, कुछ भी किया, नौकरी चाकरी कुछ नहीं मिली। लास्ट में कुछ भी काम करता हूँ मैं और दिखावा के लिए आप लोग साथ वीडियो को शेयर कर दूंगा, मैं क्या करता हूँ नहीं करता। मेरी माँ बचपन में गुजर गई। मेरा पिताजी मुझे पाल पूस के बड़ा किया, मेरे लिए खाना नहीं खाता था। मैं घूमने जाता था 11 बजे रात तक खाता था घूम फिर करके, मेरे लिए खाना नहीं खाता था। कहाँ गया मेरा बेटा? भाई मेरे पिताजी के लिए दुआ करना सब। हर कुछ नहीं बोलने पाऊंगा, बोलते बोलते बस मेरी यही जो सेवरात हर एक साल मेरे लिए बहुत मायने रखता है। फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ तो काम करके करके थक गया, फिर बस कुछ दिनों के बाद मैं कहीं कहीं जाता हूँ, काम ही नहीं मिलता, अभी कुछ काम नहीं हो रहा है, अभी काम धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। लेकिन कभी इतना हो जाता है, इतना हो जाता है, बहुत खुश हो जाता, सोचता हूँ पिताजी होता तो 10 रुपये उसको ला के देते, 100 रुपये लगा देते, 1,000-10,000 में ला के देता उसके हाथ में। क्या बोलोगे सर, ये सारा खेत हम लोग का है, मैं अब जो करूंगा वो ही कर सकता हूँ, हम लोग के भरसा में देखे चल गया है। सहारे जाता है क्या बोलूंगे आप लोग, अब रखता।